श्रीलंका के बीच चल रहे 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में भारत ने 75 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए हैं। बारिश के चलते मैच कई बार रुका। शाह और पुजारा ने भारत की पारी संभाली है। गेंदबाज सुरंगा लकमल ने बिना रन दिए 3 विकेट चटकाए। सुरंगा विश्व के दूसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है। भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत मात्र 75 रन पे ही अपने 5 विकेट गंवा दिया। और वहीं पे बात की जाए श्रीलंका के बेहतरीन बॉलर सुरंगा की, तो उन्होंने बिना रन दिए 3 विकेट जो है चटकाए हैं। उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर भी टिक नहीं पाए। वो यहाँ तक कि विराट कोहली को भी 0 रन पर ही वापस जाना पड़ा। कैमरामैन आदिति के साथ अमित, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। 1 दिसंबर को रिलीज नहीं होगी संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती। मेकर्स ने अभी तक सेंसर बोर्ड को फिल्म नहीं भेजी है। यूपी समेत कई राज्यों में फिल्म की रिलीज पर भारी बवाल मचा हुआ है। इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। नितिन गडकरी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेकर्स अपनी हद में रहें। अलाउद्दीन खिलजी भले ही पद्मावती को न पा सके हों, लेकिन इसको लेकर पूरे देश में विवाद जारी है। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने अभी तक फिल्म सेंसर बोर्ड को सौंपी ही नहीं है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वाकई फिल्म अपने तय डेट पर रिलीज हो पाती है या नहीं। अभिषेक, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 13 साल बाद बढ़ाई भारत की रेटिंग। मूडीज ने GST और नोटबंदी के सरकार के फैसले को वाजिब बताया है। इससे पहले 2004 में बढ़कर Baa3 हो गई थी भारत की रेटिंग। मूडीज ने कहा है कि भारत के इस रिफॉर्म से विदेशी और घरेलू निवेश बढ़ेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का जो ये फैसला आया है, जो भारत की रेटिंग को इसने बढ़ोतरी इसमें मिली है, उसमें भाजपा के जो सरकार का जो बहुत बड़ा दो फैसला था, GST और नोटबंदी का फैसला, उस पर थोड़ा मरहम लगाने का काम किया है। जो लगातार विपक्ष उस फैसले पर, सरकार, मोदी सरकार के इस दोनों फैसले पर, जो इनके कुनबे को लगातार घेरे में ले रही थी, अब आने वाले समय में देखने लायक होगा कि अब इस फैसले को जब मूडीज ने सराह दिया है तो आगे अब उनका रवैया क्या होता है मोदी सरकार के प्रति। सुयश, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। कोहरे के कारण दिल्ली में हो सकती है बारिश। गुरुग्राम, रेवाड़ी, सोहना और मानेसर के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। ऐसे में दम घुटा देने वाले स्मॉग से मिल सकता है निजात। कोहरे के कारण ट्रेनों के टाइम टेबल में भारी फेरबदल किया गया है। 40 से अधिक ट्रेनें लेट चल रही हैं और 6 रद्द कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से बर्फबारी के चलते इसका असर दिल्ली पर होता हुआ नजर आ सकता है। दिल्ली वासी कई दिनों से स्मॉग का शिकार होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब यह लगता है कि शायद बारिश होने से शायद दिल्ली वासियों को सुकून मिल सकता है। अदिति के साथ अर्पिता, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। पाक ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के पूंछ में भारी फायरिंग की खबर है। पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग में भारी मात्रा में सेल मोर्टार का इस्तेमाल किया है। पाक की तरफ से फायरिंग में भारत का एक जवान जख्मी हो गया है। भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। पाकिस्तान ने इस बार फिर से जम्मू कश्मीर पर सीज फायरिंग का उल्लंघन शुरू कर दिया है। हाल ही में हुई पाकिस्तान रेंजर्स और BSF के बीच एक बैठक के दौरान BSF ने पाकिस्तान द्वारा लगातार किए गए सीज फायरिंग उल्लंघन का भी मुद्दा उठाया था, जिससे कि संभव था कि पाकिस्तान आने वाले समय में ऐसी हरकतें दोबारा नहीं दोहराएगा। मगर बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना युद्ध विराम लेने का नाम ही नहीं ले रही है। कैमरामैन अदिति के साथ मंजू, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, नई दिल्ली।